उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बता दें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भंडारेज के पास उनकी कार नीलगाय से टकरा गई। हालांकि टक्कर के बाद कार के एयरबैग खुलने से बड़ा हादसा टल गया। बता दें घटना के वक्त वो अलवर से जयपुर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जूली के हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। सूचना मिलने पर दौसा के नव निर्वाचित सांसद मुरारीलाल मीणा और भैरूर के पूर्व विधायक बलजीत यादव और दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार अस्पताल पहुंचे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने दौसा कलेक्टर से बात की और गहलोत ने एक्सीडेंट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा कि मैंने इस बारे में दौसा कलेक्टर से बात की है, मैं टीकाराम जूली के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो अशोक गहलोत की ओर से पोस्ट किया गया जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के वाहन के दौसा में दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार सुनकर चिंता हुई है। ये अशोक गहलोत की ओर से पोस्ट किया गया, उन्होंने लिखा मैंने जिला कलेक्टर से बात कर स्थिति की जानकारी ली है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुलाकात की, ये बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से डोटासरा मिलने पहुंचे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टीकाराम जूली की कार का एक्सीडेंट हो गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जूली का हालचाल जाना। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने टीकाराम जूली से मुलाकात की, अस्पताल पहुंचकर टीकाराम जूली से मुलाकात की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने टीकाराम जूली से मुलाकात की और टीकाराम जूली के हाथ में फ्रैक्चर है। तो सिविल लाइन स्थित आवास पर मुलाकात की गई, जहां पर टीकाराम जूली से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मिलने पहुंचे। तो लगातार अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। टीकाराम जूली की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया।